हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी बिल्कुल धुआंधार क्लासें हो रही हैं, और ये क्लासें हैं आपकी, टाइमिंग हम बता देते हैं, रात में 7 बजे और साथ ही साथ आपकी रात में 9 बजे। ये दो क्लासें आपकी बिल्कुल एग्ज़ाम में धमाल करेंगी। और रात में 9 बजे जो आपकी क्लासें चल रही हैं वो हैं बिल्कुल फ्री में, कम्प्लीट कोर्स करवाया जा रहा है तो आप वहाँ से जुड़ेंगे। और जो रात में 7 बजे चल रही हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, कभी प्रैक्टिस सेट चल जाता है, कभी कभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल जाते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों टाइम बिल्कुल अच्छे से जुड़ना है, और दोनों टाइम की क्लासें बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए किसी भी क्लास को छोड़ने की गलती नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो सीधे आपके क्वेश्चन सॉल्व करना है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो बताना है सभी को किस महान भारतीय कलाकार का निधन 26 मार्च 2020 को नई दिल्ली में निधन हो गया था। देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपके 2023-2024 को ध्यान में रख के हुए बनाए हुए हैं, तो इसमें आपको करंट भी देखने को मिलेगी और बाकी वैसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में वार करेंगे। तो बताइए, रामकुमार, एमएफ हुसैन, जहांगीर साबावाला, सतीश गुजराल, क्या होगा करेक्ट आंसर? सभी लोग करेंगे। हाँ, आंसर की बात करें तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, सतीश गुजराल। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस कलाकार ने सेल्फ पोर्ट्रेट मतलब आत्मचित्र को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया था? वॉन गॉग, रेम्ब्रा, पाब्लो पिकासो, एमएफ हुसैन, बताइए आंसर सभी लोग। और देखिए, बिल्कुल धुआंधार क्लासें हो रही हैं, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसलिए क्लासें ज़रूर करनी है आपको। ऑप्शन बी होगा, रेम्ब्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, व्हेन वाज मॉडर्निज्म, ये पुस्तक की लेखिका कौन है? गीता कपूर, अर्पिता सिंह, अंजलि इलामेनन, अनुपम शूद, करेंगे सभी लोग आंसर, क्या होगा? हाँ, सभी लोग करेंगे। ऑप्शन ए, ये है गीता कपूर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर, 18 नवंबर, 24 मार्च, 11 जुलाई, बताइए क्या होगा आंसर? रंगमंच दिवस पूछा है, सभी लोग किया करिए आंसर। ठीक है, और ये बिल्कुल बुड्ढों की तरीके मत चला करिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपनी। ऑप्शन सी होगा, 24 मार्च। आगे, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट 1948 का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम, जिनेवा, करेंगे सभी लोग, क्या होगा आंसर? फिफ्थ का, सभी लोग करेंगे, सभी लोग। और सभी लोग बिल्कुल टाइम से आए करें, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है पेरिस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्याम बेनेगल कौन है? फिल्म निर्देशक हैं, गायक हैं, नर्तक हैं, कवि हैं, कौन है ये, बताइए जल्दी से, क्या होगा आंसर? और देखिए, सभी तक शेयर भी कर दिया करिए। ऑप्शन ए होगा, ये है फिल्म निर्देशक। ठीक है, आगे आगे दे रहा है, वाइल्ड फ्लावर 2005 में कांस में डोलोमाइट से बना है, ये कृति किसकी है, बताइए? बलवीर सिंह कट, लतिका कट, शंखो चौधरी, सोमनाथ होर, बताएंगे सभी लोग, क्या है आंसर? सभी लोग करेंगे। आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है लतिका कट। आगे, लखनऊ के चारबाग, एक सेकंड छोटा कर देते हैं, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने रविंद्रालय रंगशाला की बाहरी दीवार पर ग्लेज्ड टेराकोटा टाइल्स से एक बड़े आकार का म्यूरल, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर 1962-63, इसको निर्माण किसने किया है? असित कुमार हल्दार, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, के जी सुब्रमण्यम,
बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर एट का। सभी लोग क्या करें, सभी लोग ऑप्शन डी हो जाएगा, केजी सुब्रमण्यम। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके पहले भी हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, जिसने नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, जो भी आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में आराम से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो नौवें का पूछा जा रहा है। चलिए बताइए, नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन 20वीं शताब्दी में, ये संग्रह कहाँ पर है? बताइए, वाराणसी, नई दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज। क्या होगा करेक्ट आंसर? कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन, इसका संग्रह पूछा है और ये चित्र है आपके नंदलाल बोस का। सभी लोग करिए। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में। ठीक है, आगे आगे है, प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध है किससे? निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। करिए सभी लोग, क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं, सित्तनवासल गुफाएं कहाँ हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। करेंगे सभी लोग। सित्तनवासल गुफाएं कहाँ हैं? सिंपल सा है, इस पे सीधे डायरेक्ट आंसर करते हैं, ऑप्शन सी, तमिलनाडु में है। आगे, लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम छात्र और भूतपूर्व प्रधानाचार्य कौन रहे थे? असित कुमार हल्दार, ललित मोहन सेन, रणवीर सिंह बिष्ट, मदन लाल नागर। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, ललित मोहन सेन, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो पूछा जा रहा है, फीलिंग एंड फॉर्म अ थ्योरी ऑफ आर्ट 1953 में इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, अवनींद्रनाथ टैगोर, सुजैन लैंगर, हर्बर्ट रीड, आनंद कुमार स्वामी। बताइए सभी लोग, क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी ये है, सुजैन लैंगर। ठीक है, आगे, रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट 1961 में इसके संपादक कौन है? रॉब जेनॉफ, लुई डेंगरे, जॉन डीवी, सुजैन लैंगर। 14 का क्या होगा? सभी लोग क्या करिए, ठीक है, और सभी लोगों तक क्लास शेयर कर दिया करिए। देखिए, क्योंकि आप लोगों की क्लासें हैं ना, वो बिल्कुल से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और जो आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो तो एकदम ऐसे हैं कि देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी ये है, सुजैन लैंगर। आगे, प्रॉब्लम ऑफ आर्ट 10 फिलोसफिकल लेक्चर्स 1957 में इसके लेखक कौन है? सिस्टर निवेदिता, राम कुमार, सुजैन लैंगर, पर्सी ब्राउन। बताइए क्या होगा आंसर? सभी लोग करिए आंसर, सभी लोग, और जो बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, अपना समझ लीजिएगा जैसा करना हो। ऑप्शन सी, सुजैन लैंगर हो जाएगा। ठीक है, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, रबड़ ब्लैंकेट इसका प्रयोग होता है ऑफसेट प्रिंटिंग में, स्कैनर में, फोटोग्राफी में, पोस्ट फेस में। ये जो प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं ना, ये आपके 2023 और 24 को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं प्रैक्टिस सेट, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आपका मन करे, नहीं तो आपको बढ़िया रील्स देखनी है, वीडियो गेम खेलना है, खूब दम से करिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। क्या होगा आंसर आपका 16? हाँ, ऑप्शन ए ये है, ऑफसेट प्रिंटिंग में। आगे, इस्फू मातो का संबंध है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, छापा कला, किससे है? बताइए सभी लोग करें, सभी लोग। ठीक है, हाँ,
ऑप्शन ए होगा, ये है चित्रकला टेक्निक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन, अरे भाई हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। अब देख रहा है क्या होगा आंसर, करिए। सैंधव सभ्यता, नर्तकी, चलिए बताइए इसका क्या होगा, क्या सुमेलित नहीं है। गुप्त काल, दशावतार मंदिर, देवगढ़, खजुराहो मंदिर, कंदरिया, मौर्यकालीन कटरा, मथुरा। बताइए क्या होगा। देखिए सुमेलित नहीं है बोला है, सैंधव सभ्यता तो नर्तकी मिली है, गुप्त काल में दशावतार देवगढ़ बना है, खजुराहो कंदरिया से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन डी बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी होगा इसका। आगे बढ़ते हैं तो पूछा जा रहा है दीदारगंज यक्षी किस युग में निर्मित हुई थी, सैंधव, गुप्त, शुंग, मौर्य। बताएंगे सभी लोग, क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सैंधव, गुप्त, शुंग, मौर्य, क्या होगा आंसर। शाबाश, ऑप्शन डी होगा, मौर्य। आगे चलते हैं, सारनाथ से प्राप्त खड़े बुद्ध की प्रतिमा किस युग की है, मौर्य, गुप्त, शुंग, गुप्त। बताइए, दो बार गुप्त लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, क्या होगा इसको, कुछ इसको काट दीजिए। ठीक है, तीनों तीनों में ही बता दीजिए। ऑप्शन बी होगा, ये है गुप्त। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। आगे है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, अशोक सिंह, शीर्ष स्तंभ, बाघ, दीदारगंज यक्षी, कटरा बुद्ध, क्या होगा आंसर। 21, ऑप्शन ए अशोक सिंह, शीर्ष स्तंभ जो कि सारनाथ से लिया है। भरहोत स्तूप किस काल का है, मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण, बताइए भरहोत स्तूप। ऑप्शन बी, ये शुंग काल का है। ठीक है, आगे चलते हैं। गोपुरम का प्रयोग मिलता है किसमें, मीनाक्षी मंदिर, अटाला मस्जिद, मारतंड मंदिर, कंदरिया, महादेव मंदिर, बताइए सभी लोग जल्दी से क्या होगा। 23, सभी लोग करेंगे। ऑप्शन ए होगा, अरे भाई ऑप्शन ए होगा, ये है मीनाक्षी मंदिर में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, म्यूटेशन किसका चित्र है, अंजलि इला मेनन, अर्पणा कौर, गोगी सरोज पाल, अर्पिता सिंह, बताइए क्या होगा। म्यूटेशन किसका चित्र है, तो याद रखना है ये आपका क्या होगा, अंजलि इला मेनन। आगे, थ्रेटेड सिटी किसकी पेंटिंग है, अर्पिता सिंह, अंजलि इला मेनन, अनुपम सूद, अर्पणा कौर, बताइए 25 क्या होगा आंसर। थ्रेटेड सिटी किसकी पेंटिंग है, क्या करेंगे आंसर इसका। चलिए आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये है अर्पणा कौर। ठीक है, आगे, पल्लव वंश की राजधानी थी, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, बादामी, हम्पी, 26 सभी लोग करेंगे। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, चलिए आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन बी, ये कांचीपुरम थी। ठीक है, आगे आगे दे रहा है, किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टन चैपल छत को 1505 से 12 के बीच में चित्रित किया था, लियोनार्डो विंची, ब्रूनेलेसी, माइकल एंजेलो, रेम्ब्रांड, करेंगे सभी लोग क्या होगा। 27, क्या होगा, ऑप्शन सी, ये है माइकल एंजेलो। आगे सभी लोग क्या करिए, ठीक है, देखते हैं दम है कि नहीं करने की, बताइए। विख्यात मूर्ति शिल्प, देखिए जितने हम क्वेश्चन देते हैं उसमें से कितने बन रहे हैं आपके, ये आपको कमेंट में छाप के बताना है। ठीक है,
हाँ तो बताइए, विख्यात मूर्ति शिल्प अशोक एट कलिंग जो कि 1972 में ब्रॉन्ज में बनता है, संग्रह है आपका ITC मौर्य सेरेटन होटल नई दिल्ली में, इसको निर्मित किसने किया है? प्रदोष दास गुप्ता, मीरा मुखर्जी, लतिका कट, बलवीर सिंह कट। बताइए जल्दी से 28। जितने भी आपके आंसर बन रहे हैं, नंबर बन रहे हैं, आपको बताना है कि इतने में आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो इसको निर्मित किसने किया है? ऑप्शन बी, ये मीरा मुखर्जी ने किया है। आगे, बेनियन ट्री 1992 में सैंडस्टोन से बना है, इसके मूर्ति शिल्पी कौन है? बेनियन ट्री, बताइए। नागजी पटेल, मदन लाल, नंद गोपाल, मीरा मुखर्जी, बताइए जल्दी से। 29। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए होगा, नागजी पटेल, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बताइए, मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन 1983 कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेल्डेड, ये किसने बनाया है? बताइए, नागजी पटेल, शंखो चौधरी, मीरा मुखर्जी, नंद गोपाल। 30 का फटाफट से करेंगे आंसर। आंसर है आपका ऑप्शन डी, नंद गोपाल, ठीक है। चलिए 31 क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। एंड देन व्हाट हैपेंड कृति किसकी है? मीरा मुखर्जी, नंद गोपाल, बलबीर सिंह कट, पुष्पमाला एन। बताइए 31 क्या होगा? सभी लोग करेंगे आंसर। एंड देन व्हाट हैपेंड, सभी लोग क्या करिए, ठीक है? ऑप्शन डी होगा, पुष्पमाला एन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, अभिजीत बनर्जी, जॉर्ज ई स्मिथ, हेनरी दुरंत, बताइए। 32 सभी लोग करेंगे आंसर, ठीक है, ऐसे धीमे धीमे नहीं चलना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपनी। मुश्किल से 30 क्वेश्चन है, उसमें भी आप लोग धीमे धीमे ऐसे टुक टुक चलेंगे। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आगे, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? मनोज त्यागी, मिल्टन, मैक्स मूलर, रूसो, करिए सभी लोग। ऑप्शन बी, मिल्टन। आगे, किसने अपनी कृतियों में ग्लेज वैक्स वॉर्निस इसका प्रयोग किया है? गणेश पाइन, रामकुमार, रजा सूजा। 34 सभी लोग करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, गणेश पाइन, ठीक है। आगे, डाउन ड्राफ्ट फर्नेज इसका प्रयोग किया जाता है ढोकरा कास्टिंग में, सिरेमिक्स फायरिंग में, स्मारकीय मूर्ति के मापन में, प्रिंटिंग प्रेस में, बताइए। 35 डाउन ड्राफ्ट फर्नेज, ऑप्शन बी, सिरेमिक्स फायरिंग में, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे, मैकेट की आवश्यकता होती है वृहदाकार स्मारकीय मूर्ति के मापन में, लाइफ साइज स्टडीज में, त्रिआयामी आकारों की संकल्पना में, मूर्तिकला की परिकल्पना में, क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, वृहदाकार स्मारकीय मूर्ति के मापन में, ठीक है, मैकेट की आवश्यकता। आगे, किसने अपनी आकृतियों की त्रिआयामी आकारों में संकल्पना की है? रामकुमार, MF हुसैन, सतीश गुजराल, अतुल डोडिया। त्रिआयामी
आकारों की संकल्पना? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सतीश गुजराल। ठीक है, आगे आगे है, फोटोग्राफी को आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा जाता है? अर्नेस्ट ग्रोम्बिक, जे स्वामीनाथन, निकेफोर निप्से, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या होगा। ऑप्शन ए अर्नेस्ट ग्रोम्बिक। क्या है? अर्नेस्ट ग्रोम्बिक। आगे चलते हैं, द स्टोरी ऑफ आर्ट के लेखक हैं अर्नेस्ट ग्रोम्बिच, ग्रिसेल्डा पोलाक, नेल्सन गुडमैन, यूब्रेटो इको। बताइए। 39। ऑप्शन ए अर्नेस्ट ग्रोम्बिच। ठीक है, आगे आगे है, एप्पल इंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए, क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया, सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया। बताइए क्या होगा 40 का। सभी लोग किया करें। शाबाश। आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन बी, क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आगे है, लिंकन मेमोरियल जो एक अमेरिकी राष्ट्रीय स्मारक है और वाशिंगटन डीसी में स्थित है, इसके वास्तुकार कौन है? हेनरी बेकन, डेनियल चेस्टर, पार्किरिल्ली ब्रदर्स, जूल्स ग्वेटन ग्वेरिन। बताइए। सभी लोग करेंगे, सभी लोग, और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, ऑप्शन ए हेनरी बेकन। आगे, किस कलावाद में स्पष्ट रेखाओं और मूल रंगों का समन्वय हुआ है? यथार्थवाद, सर्वोच्चवाद, दादावाद, लोक कला। 42, क्या होगा आंसर? रेखाओं और मूल रंगों का समन्वय हुआ है, ऑप्शन डी, लोक कला में। ठीक है, आगे, किस चित्रकार की कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है? जे स्वामीनाथन, मंजीत बाबा, यामिनी राय, ए रामचंद्रन। बताइए सभी लोग, फटाफट से करेंगे। 43। ऑप्शन सी ये है, यामिनी राय। आगे बढ़ते हैं, किसके चित्रों में पारस्परिक विषय वस्तु, बताइए, पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय है? रजनीकांत पांचाल, राम किंकर बैज, धनराज भगत, मंजीत बाबा। करिए क्या होगा आंसर। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मंजीत बाबा। आगे, किस विधि में एक ही प्लेट से अनेक रंगों के प्रिंट निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है? ऑफसेट प्रेस, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मूवेबल टाइप, विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग। 45 क्या होगा? सभी लोग करेंगे 45 का। ऑप्शन डी ये है, विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जोगीमारा गुफाएं कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश। सभी लोग किया करिए। ठीक है, और क्लासेस शेयर करते रहा करिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका 46? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1920, 11 अगस्त 1921, 8 फरवरी 1950, 12 जून सन 1962। बताइए क्या होगा। 47। ऑप्शन ए, 1 जनवरी सन 1920। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी के बाहर प्रदर्शित विशालकाय कांस्य प्रतिमा न्यूटन के मूर्तिकार कौन है? एडवार्डो पाओलोजी, विलियम ब्लैक, रॉडिन म्यूरिल्लो। 48 क्या होगा आंसर।
बताइए। ऑप्शन ए एडुआर्डो पाओ लॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कांस्य मूर्ति सिटिंग ऑन हिस्ट्री के मूर्तिकार कौन है? बिल ब्रूडो, हेनरी मूर, राम किंकर बैज, रोंदा। बताइए। 49 क्या होगा आंसर? सिटिंग ऑन हिस्ट्री इसके मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन ए बिल वुड्रो। कौन है? बिल वुड्रो। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है शांति निकेतन के उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं। अतुल डोडिया, जोगेन चौधरी, तैयब मेहता, अकबर पदम सिंह। क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे 50। करिए जल्दी से, फटाफट से। चलिए आंसर की बात करें, क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी जोगेन चौधरी। आगे आगे दे रहा है। खजुराहो के मंदिर का सही कालक्रम बताना है, बताइए क्या होगा आंसर? 51 का। सभी लोग करेंगे 51। इनका सही कालक्रम बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, ये श्रृंखलाएं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए छोड़ना नहीं है किसी को भी। ऑप्शन ए होगा 64 योगिनी, लक्ष्मण, पार्श्वनाथ, कंदरिया, महादेव। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा बताना है द एक्रोबैट जो कि 1930 में, ये किसकी पेंटिंग है? बताइए। जॉन मीरो, वॉन गॉग, पाब्लो पिकासो, एडगर डेगा। क्या होगा आंसर? द एक्रोबैट 1930 में बनती है। ऑप्शन सी पाब्लो पिकासो। ठीक है, आप लोग कहते हैं ना कि ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन लाइए, पुराने तो बहुत पढ़ लिए, आपको करवा रहे हैं वही ट्रेंडिंग वाले। बताइए असित कुमार हल्दार के सबसे अधिक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? कला भवन, शांति निकेतन, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। बताइए क्या होगा आंसर? असित कुमार हल्दार के सबसे अधिक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो आपके ऑप्शन डी इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। आगे ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा आर्ट जनरल समकालीन कला का प्रकाशन वर्ष में कितनी बार होता है? बताइए। 54, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। ऑप्शन सी तीन बार होता है। ठीक है, आगे कॉल ऑफ द मिल इसके चित्रकार कौन है? एम एफ हुसैन, राम किंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी, डीपी राय चौधरी। करिए। ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी। आगे लाल किले के नजदीक श्री शंकर भाई पटेल किसकी पेंटिंग है? बताइए। एम एफ हुसैन, जहांगीर साबावाला, भूपेन खक्कर, राम कुमार। लाल किले के नजदीक श्री शंकर भाई पटेल। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी भूपेन खक्कर। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से एक प्रिंट मेकर कौन है? देवराज डकोजी, महेंद्र पांड्या, केशव मलिक, रामेश्वर ब्रूटा। क्या होगा आंसर? प्रिंट मेकर पूछा है। ऑप्शन ए देवराज डकोजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? बताइए जल्दी से, और सभी लोग अपना स्कोर भी बताएंगे कि कितना आपका स्कोर बन रहा है और हमने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, उस क्वेश्चन उस उतने क्वेश्चन में आपके कितने स्कोर हो रहे हैं। ठीक है, बताइए। 58
ऑप्शन सी क्रोचे जिसने दिया है उसका बिल्कुल सही है। आगे वॉच रिपेयर और व्यू फ्रॉम द टी शॉप, इस पेंट ये जो पेंटिंग है वो किसकी है? भूपेन खक्कर, जहांगीर साहबावाला, राम किंकर बैज, विमान सुंदरम। 59 ऑप्शन ए भूपेन खक्कर, वॉच रिपेयर और व्यू फ्रॉम द टी शॉप। ठीक है, आगे पोर्ट्रेट ऑफ लियोनार्डो किसके द्वारा चित्रित किया गया? पिकासो, डोनाटेल्लो, फ्रांसिस्को मेलजी, घीबर्टी। बताइए 60 क्या होगा आंसर। पोर्ट्रेट ऑफ लियोनार्डो, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी फ्रांसिस्को मेलजी। ठीक है, आगे